दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसमें युवाओं की गिनती काफी ज्यादा है, वे रिटायरमेंट को गंभीरता से ले रहे हैं। माता पिता की तरह वे भी 60 साल में ही रिटायर होने की बात करते हैं। प्राइवेट काम करने वाले सरकारी पेंशन ना होने से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी बिताने को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिटायरमेंट प्लानिंग के टिप्स की बात करेंगे और इस प्लानिंग को करते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। हवा में प्लानिंग। दोस्तों ज्यादातर लोग जल्दी रिटायर होने की बात करते हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जब तक आप अपनी योजना पर काम शुरू नहीं करते, तब तक आप इसे समय पर हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब जल्दी रिटायर होने के लिए आपको हर महीने अपनी मंथली इनकम का 20-25% निवेश करना होगा। महंगाई को भूल जाना। दोस्तों अक्सर निवेशक भविष्य में पैसे की कीमत घटने पर विचार नहीं करते हैं। वे बचत और निवेश पर महंगाई के असर को ध्यान में नहीं रखते हैं। भविष्य के खर्चों को निकालते समय महंगाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे में पैसा नहीं रहने पर स्थितियां कितनी खराब हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। बचत की शुरुआत देर से करना। दोस्तों ज्यादातर निवेशक शादी और बच्चों के बाद निवेश की जरूरत का एहसास करते हैं। यदि आप 20 वर्ष की आयु से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आप काफी पैसा जुटा सकते हैं। यदि आप देर से बचत करना शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट के लिए आप कम पैसा जुटा पाएंगे। गलत जगह निवेश कर देना। दोस्तों कई व्यक्ति सोने और प्रॉपर्टी में 1 या 2 साल की छोटी अवधि के लिए पैसा निवेश कर देते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि प्रॉपर्टी में थोड़े समय में ही उनका पैसा दुगना हो जाएगा। इसलिए हर निवेशक को पता होना चाहिए कि अलग अलग निवेश विकल्प अलग अलग तरह के जोखिम और निवेश नजरिए पर आधारित होते हैं। अपना प्रोविडेंट फंड निकाल लेना। दोस्तों अपनी जरूरतों के लिए प्रोविडेंट फंड खाते का पैसा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप कमाई शुरू करते हैं, आप और आपकी कंपनी दोनों ही इसमें योगदान देना शुरू कर देते हैं। इस खाते में ब्याज काफी ज्यादा होता है, इससे आपको एक बड़ी रकम बनने में मदद मिलेगी। किसी को भी छोटी बचत को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। जरूरी हेल्थ कवरेज। दोस्तों बुढ़ापे में मेडिकल खर्च के खर्चे बढ़ जाते हैं, अतिरिक्त खर्चों के लिए भी तैयारी जरूरी है। इसके लिए आपके पास जरूरी हेल्थ कवरेज होना जरूरी है। कुछ बीमा कंपनियां 65 साल या 70 साल की उम्र के बाद कवर नहीं देती है, और ज्यादातर बीमा कंपनियां आपको 45 या 55 साल की उम्र के बाद मेडिकल चेकअप से गुजरने को कहती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पहले से ही हेल्थ कवरेज हासिल कर लें और साथ ही हर साल अपने हेल्थ कवरेज को बढ़ाते रहें। इससे मेडिकल खर्च से निपटने में मदद मिलती है। रिटायरमेंट के बाद कमाई की प्लानिंग। दोस्तों एक बार जब आप जरूरी रकम जुटा लेते हैं, तो आपको इसे समझदारी से खर्च और निवेश करना जरूरी है। याद रखें कि आपको अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, आपको अपनी रकम अलग अलग जगह निवेश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप उस राशि को कैश में रख सकते हैं जिसकी तुरंत जरूरत है। जिसकी जरूरत अगले 3 से 10 साल में है, आप उसे बॉन्ड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में रख सकते हैं। बाकी रकम आप इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए सही पॉलिसी खरीदना। दोस्तों कुछ लोग रिटायरमेंट के लिए काफी ज्यादा पॉलिसियाँ खरीद लेते हैं। ढेर सारी पॉलिसियाँ खरीद लेने से रिटायरमेंट में मदद नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को जीवन बीमा की अवधारणा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसी टर्म पॉलिसी खरीदनी चाहिए जो वित्तीय खर्चों का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त हो। तो दोस्तों इस तरह से रिटायरमेंट के लिए सही समय पर सही जगह पे निवेश करना चाहिए, ताकि भविष्य के खर्चों को बढ़ती हुई महंगाई की मार ना पड़ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।